हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज मैं अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर पर आया हूं, और दोस्त ये है हमारे गांव का भट्ठा, जो ईंट भट्ठा होता है वो है, वहीं पर हूं दोस्त। आप देख सकते हैं यहां पर ये है ईंट का भट्ठा, और ये है इसकी चिमनी, और इस पर जो है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्त, मैं आपको यहाँ के बारे में बता देता हूँ कि ईंट का भट्ठा है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो इस पर आते थे। ठंडी के मौसम में ये भट्ठा चलता है, अभी तो बारिश की वजह से ये बंद हो जाता है। और दोस्त, जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर आते थे भौरी लगाने के लिए। भौरी का मतलब ये हुआ दोस्त, गाँव में हम लोग लिट्टी जिसे बोलते हैं उसको भौरी भी बोलते हैं, जो आटा का बनता है। और क्या करते थे ठंडी में, बचपन के समय में जो आलू होता था खेत में, तो हम लोग चोरी से जाते थे, कुछ लोगों के खेत में से आलू खोद लेते थे। खोदने के बाद क्या करते थे, इसी भट्ठा पे लाकर, अभी आप जो ये समतल देख रहे हैं पूरा, इसमें से आग निकलता है, और इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो है कि आलू को भूजते थे, फिर उसके बाद खाते थे। वो भी दोस्त क्या दिन था, क्या जमाना था, बचपन का दिन, बड़ा ही मज़ा आता था। बाकी दोस्त, मैं आपको बैक कैमरा से थोड़ा अपना गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्त, ये है ईंट का भट्ठा, जिसकी ये है चिमनी, और आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक है चिमनी, जिससे धुआं निकलता है। और इसके साइड साइड में जो है कि ईंट रखा हुआ है। और दोस्त, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, आप देख सकते हैं जो एक छोटी सी दुकान दिख रही है, ये दोस्त मेरी दुकान है। मेरा भाई लोग इस पर बैठता है, और चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह, गांव में जो छोटा मोटा है वो सारा कुछ है, ये मेरे घर का ही है। बाकी दोस्त, आप ये देख सकते हैं गांव का पूरा नज़ारा कैसा है, चारों तरफ देख लीजिए, आगे सड़क है। बाकी दोस्त, बारिश हुआ जिसकी वजह से जगह जगह पर पानी लगा हुआ है। और ये दोस्त पूरा सिवान है गांव का, और इधर जो है कि ये भी एक रोड है, गांव का रोड, जिससे लोग मार्केट की तरफ जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये है हमारे गांव का नज़ारा, और ये है ईंट भट्ठा। मैं दूरी से थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। बाकी दोस्त, बचपन के वो दिन भी क्या कमाल के होते हैं, आप लोग भी इंजॉय किए होंगे, ईंट भट्ठा पर आलू भुजे होंगे। देखिए, गांव के लड़के हैं, मछली मार कर आ रहे हैं, और बचपन का दिन जब वो याद आता है तो कितना अजीब सा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।